गाने में दलित और पिछड़ी जाति को किया गया अपमानित। गायक अजीत बिहारी की टीम पर एफआईआर की मांग हुई तेज। बिहार समस्तीपुर शहर में दलित पिछड़ी जाति एवं संप्रदाय विशेष को अपमानित करने वाले गीत गाकर सोशल साइट पर डालकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के खिलाफ गाने को बैन कर एफआईआर दर्ज करने की मांग इंसाफ मंच और जन संस्कृति मंच ने की है। साथ ही विरोध मार्च निकालकर गाने को बैन करने, गायक अजीत बिहारी और उनकी टीम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इंसाफ मंच ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के साथ जिला प्रशासन से कहा कि इस पर तुरंत एक्शन लें, गाने को प्रतिबंधित कर गायक अजीत बिहारी और उनकी कंपनी पर एफआईआर दर्ज करें, नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी भाकपा माले आम जनता के सहयोग से मोतीपुर पैक्स चौक पर हम लोग एक विरोध मार्च निकाले हैं। विरोध मार्च इस वजह से निकाला गया है कि भोजपुरी गीत बहुत गलत ढंग से गाया गया है। इसमें अखिलियत को, इसमें नुनिया समाज को, चमार समाज को टारगेट किया गया है, महिलाओं को अपमानित किया गया है। इस गाना में जितना कहा जाए हम इस गाना की निंदा करते हैं और जाति विशेष, धर्म विशेष, महिला को अपमानित करने वाला गाना गाने वाले जो गायक हैं, जांच करके उन पर एफआईआर दर्ज करे, उन पर कानूनी कार्रवाई करे और प्रशासन, नीतीश और मोदी की सरकार ये तय करे कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के गाना को प्रतिबंधित किया जाए। कोई गाने की हिमाकत नहीं कर सके। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। मियां टोली, चमर टोली, नुनिया टोली वाली माल सुपर हिट लागेला। इस प्रकार का जो अकलियत एवं दलित महिलाओं के मान सम्मान पर जो हमला है, जो अश्लील भड़काऊ है, उसका एपवा विरोध करती है और निंदा करती है। हम अपनी महिला संगठन की तरफ से ये मांग करते हैं कि जो इस प्रकार की अश्लील गाने हैं उसको, उस पर रोक लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग हमारी महिला संगठन करती है। वंदना सिंह, एपवा जिलाध्यक्ष, समस्तीपुर।